नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल में जिसका नाम है शतावरी सपोर्ट। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो लाइन बना के हम शतावर लगाने को आपको कहते हैं उसके बेनिफिट्स क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, ये एक लाइन हमारी ये है, यहाँ आप देखिए एक लाइन ये है, यहाँ कंटिन्यू 3 दिन से बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाऊं, जहाँ पे लाइन नहीं है वो जगह आपको दिखाता हूँ, जहाँ लाइन नहीं है वहाँ इतना पानी भर गया है। ये कॉर्नर है तो यहाँ इतना पानी भर गया है, और जो लाइन्स रहती है उसके बाद में आप देख सकते हैं लाइन्स के बीच में एकदम बिल्कुल ज़रा सा भी पानी नहीं है। इसका एक रीज़न ये भी रहता है कि जितनी बारिश होती रहती है तो जो लाइन्स होती है, लाइन्स का जो हम एक कॉर्नर बनाते हैं लास्ट में, 5 लाइनों का एक पोर्शन बना के उसका पानी का निकास का, पानी को निकालने का, ऑटोमेटिकली लाइन्स से पानी निकल के इसमें आ जाता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन जो लाइन है इसमें होके आप खेत का जिधर को पानी के निकास का रूट है आप उधर उसको निकाल सकते हैं। ये जो प्लॉट है हमारा दोस्तों, आप देख सकते हैं चारों तरफ, ये पूरा 10 एकड़ का है हमारा। 10 एकड़ का जो प्लॉट है ये टोटल हमारा लाइन्स पे ही रखा हुआ है। इसका लाइन्स का जो आपका मोस्टली इम्पोर्टेंट टाइम है वो यही है, क्योंकि इस समय पे आके जब बारिश होती है तो बारिश में जब पेड़ की जड़ पे अगर पानी भर जाएगा, क्यारी में अगर आपकी सतावर होगी लाइन्स पे नहीं होगी तो वो पेड़ की जड़ पे गलन टाइप की पैदा कर देती है, जिससे पौधा सूखने लगता है। पहले पीले पड़ेगा, पीला पड़ने के बाद में वो सूखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन्स हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पेड़ की जड़ पे जब पानी भर जाता है तो पौधा, जो मैंने अभी आपको बताया था, पीला पड़ता है। पीला पड़ने के साथ में आपको पता ही है कि ये हमारी जो फसल है ये मेन हमारे लिए इसकी जड़ लेनी है। पानी भरने की वजह से जड़ में गलन पैदा हो जाती है, जिससे पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। इसके लाइन से मैं आपको बताऊँ दूसरा फ़ायदा क्या रहता है। जब ये हमारी फसल पूरी हो जाती है तो हमें प्लांट को यहाँ से काटना पड़ता है, ये इस जगह से प्लांट यहाँ से काट के हटा दिया जाएगा। उसके बाद में इस जड़ को, इस जगह को खोखला करके चारों तरफ इसकी जड़ को निकाला जाता है। अगर प्लेन में हमारी सतावर होती है तो इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, जो आपको निकालते समय टूटती हैं व कट जाती हैं। ऊपर होती है लाइन्स पे तो हमको उसको यहाँ से इसकी मिट्टी को साइड को बस हटाना है, और यहाँ से नीचे से एक फावड़ा लगा के एक ही बार में जड़ ऊपर आ जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट लाइन्स का ये रहता है। बरसात में आपका एक तो हो गया दोस्तों पानी के निकास के लिए और बेनिफिट है, दूसरा आपका जड़ निकालने के लिए इसका बेनिफिट है, तीसरा ये है कि आपकी जो अगर लाइन्स पे सतावर नहीं होगी तो पानी लगने के बाद में उस जगह की मिट्टी एकदम ठस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड। उसकी कंपेयर करेंगे आप इन लाइन्स से तो लाइन्स की मिट्टी इतनी हार्ड नहीं होती, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं पानी को लगभग 80% तक लगाया जाता है। 80% पानी लगाने की वजह से लाइन्स एकदम ऊपर से सॉफ्ट रहती है, और जो पेड़ की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस तरीके से हम आपको और भी इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करते रहेंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।